एक ऐसी मोबाइल फ़ोन कंपनी जो 2010 से 15 तक इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स में राज करती थी, लेकिन 2017-18 तक लोग इस कंपनी का नाम भी भूल गए। लेकिन फिर आज अचानक से कैसे ये लोगों की बाइंग लिस्ट में शामिल हो रहा है और इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा है। आई थिंक अब तक आपने उस ब्रांड को गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक समय पर सभी इंडियंस की फेवरेट लावा स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस ब्रांड का धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ और क्या यह आज के दौर में कमबैक कर पाएगा। जी हाँ, लावा एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। उस समय स्मार्टफोन्स बहुत ही महंगे हुआ करते थे, इसलिए इनका उद्देश्य कम बजट में अच्छी गुणवत्ता देना था। उस समय लावा का फोकस अफोर्डेबल और रिलायबल फीचर्स फोन पर था और धीरे धीरे यह एक पॉपुलर नाम बन गया। लावा के फोन सिंपल थे या अपने बेसिक फीचर के लिए काफी मशहूर थे। 2012 तक लावा ने स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करना शुरू कर दिया और ये एक हाउसहोल्ड नाम भी बन गया। और 2014 में तो लावा ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लिरिस प्रो 30 भी लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत 10,000 के आसपास थी, जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा हिट रहा। अब तक लावा ने अपने पड़ोसी देशों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और ये वहाँ बहुत तेजी से बिक भी रहे थे। लेकिन इसके बाद इंडियन मार्केट में एंट्री होती है चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड की, जैसे Xiaomi, ओप्पो और वीवो। इन्होंने मार्केट में बहुत ही अग्रेसिव एंट्री ली। ये कंपनियां बहुत कम प्राइस में काफी तगड़े तगड़े फीचर्स ऑफर करने लगी, जो लावा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। जहां तक मुझे याद है, उस समय इंडियन स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी कमी हुआ करती थी वो है कम चलने वाली बैटरी और ज्यादा हैंग होना। फिर चाइनीज कंपनियों ने आते ही सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इंडियन मार्केट में हर जगह छा गए, जिससे लावा का मार्केट शेयर धीरे धीरे गिरता गया और अब लावा की इमेज एक बजट फ्रेंडली और लो टेक ब्रांड की बन गई और इसके प्रीमियम कस्टमर भी धीरे धीरे दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो गए। अब धीरे धीरे लावा को टफ कंपटीशन के अलावा अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इनोवेशन में भी दिक्कत होने लगी। कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट वाला सेक्शन भी उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हो पाया जितना चाइनीज ब्रांड का था। 2016-17 तक लावा की मार्केट प्रेजेंस काफी कम हो गई थी। 2017 में तो लावा ने अपना पहला 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग लावा को ऑलमोस्ट भूल ही चुके थे, जिससे स्मार्टफोन मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लेकिन लावा ने हार नहीं मानी और फिर आया 2020, जब लावा ने अपना बिजनेस को रिवॉम्प करने का फैसला किया। ये एक ऐसा समय था जब पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक से लड़ रहा था और इसी वक्त लावा ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। ये एक ऐसा समय था जब सब चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे थे और इंडियन कस्टमर एक बार फिर से इंडियन ब्रांड्स की तरफ देख रहे थे। तब लावा ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और लावा ने डिजाइन इन इंडिया और मेड इन इंडिया को अपना USP बना लिया। लावा जेड सीरीज स्मार्टफोन ने फिर से मार्केट में एंट्री की, जो एकदम पूर्ण रूप से ही इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया गया था, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज बाहर से पार्ट लगाकर सिर्फ इंडिया में असेंबल करती हैं। मगर लावा ने पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही इंडिया में किया। इस वजह से लावा का ब्रांड वैल्यू और देशभक्त वाला इमेज भी काफी स्ट्रांग हो गया। इसके बाद लावा को इंडियन गवर्नमेंट के PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव का भी फायदा हुआ। PLI स्कीम के अंडर लावा को काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जिससे लावा अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D में भी इन्वेस्टमेंट करने लगी और ये कंपनी का सबसे अहम कदम था जिससे कंपनी दोबारा से उभर पाई। दोस्तों, अगर आप आज के लावा के बारे में जान रहे हैं तो आपने लावा अग्नि 5G के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। यह 2021 का लावा का सबसे बड़ा फ्लैगशिप लॉन्च था और शायद पहला 5G फोन भी। लेकिन इस लॉन्च ने पूरे इंडियन मार्केट में धमाका मचा दिया और लावा को एक बार फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। इस फोन के थ्रू लावा ने दिखाया कि अब वो प्रीमियम मार्केट में भी कम्पीट कर सकते हैं। इसके बाद लावा कर्व और हाल में ही लॉन्च हुआ लावा अग्नि 3 5G इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने 22,000 के प्राइस पर डुअल डिस्प्ले जैसे गजब के धांसु फीचर देकर जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसे तोड़ना चाइनीज कंपनियों के लिए भी आसान नहीं है। वैसे यार, लावा की कमबैक स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस ब्रांड ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने इनोवेशन और इंडियन रूट्स के बल पर फिर से अपनी जगह बनाई। अब लावा का फोकस मिड रेंज कैटेगरी पर है, जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ, तो यही है लावा की इंस्पायरिंग कमबैक स्टोरी। एक ऐसा ब्रांड जो कभी कोलैप्स के करीब था, आज फिर से अपने नए इनोवेशन और हार्ड वर्क के कारण मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। आपको लावा की ये कहानी कैसी लगी? वैसे क्या कभी आपने लावा
अलावा का फोन यूज किया है? अगर हाँ तो पुराने टाइम वाला या नया वाला। बाकी अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो और ऐसे ही मजेदार टेक स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।